आखिर एक बार फिर से क्यों आदित्य ने छोड़ा इमली शो को? वेल, जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्टार प्लस के पॉपुलर शो इमली में तकरीबन 3 महीने पहले गश्मीर महाजनी ने अपने किरदार आदित्य को छोड़ दिया था और शो से एग्जिट कर ली थी, जिसके बाद मेकर्स एक्टर मानसवी वशिष्ठ को शो में नए आदित्य बनाकर लाए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अब नए आदित्य मानसवी ने भी शो को छोड़ दिया है। जी हाँ, खबरें हैं कि टीवी एक्टर मानसवी वशिष्ठ ने इमली को अलविदा कहने का फैसला कर लिया है। टेली चक्कर की रिपोर्ट ने ये दावा किया है कि कुछ टाइम पहले ही मानसवी वशिष्ठ ने इमली के मेकर्स के साथ मीटिंग भी की थी। सूत्र के मुताबिक मानसवी ने इमली के मेकर्स को बताया कि वो अपने किरदार से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उस मीटिंग के बाद मानसवी वशिष्ठ ने शो को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जाहिर तौर पर इस खबर से फैंस काफी हैरान भी होंगे कि भला शो में आदि का किरदार क्यों नहीं टिक पा रहा है और बार बार ऐसी खबरें आती हैं। आपको बता दें कि शुरुआत से शो में गश्मीर ने जिस तरह से आदि के किरदार को निभाया था, उससे गश्मीर से लोगों की अलग ही अटैचमेंट जुड़ चुकी थी। लोग हर हाल में इमली के साथ पुराने आदि को ही देखना चाहते थे। ये जोड़ी टीवी की टॉप जोड़ियों में से एक बन चुकी थी, लेकिन जब गश्मीर की एग्जिट के बाद शो में जब फरमान खान की आर्यन के रूप में एंट्री हुई तो फैंस को इमली और आर्यन की केमिस्ट्री इतनी पसंद आई कि आदि इमली की जोड़ी पर भी भारी पड़ गई और इसी दरमियान नए आदि के रूप में मानसवी की शो में एंट्री भी हुई। लोग नए आदि से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाए। वहीं मेकर्स भी इमली और आर्यन के ट्रैक पर ज्यादा फोकस करने लगे, जिससे आदि का किरदार फीका पड़ने लगा और कम स्क्रीन स्पेस और किरदार के फीके पड़ने के कारण अब मानसवी भी शो को छोड़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी मेकर्स या फिर मानसवी की तरफ से उनकी एग्जिट पर अभी कुछ भी ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आया है। ऐसे में मानसवी अपनी एग्जिट पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। और ये भी कि अगर मानसवी की एग्जिट की खबर सही साबित होती है तो क्या मेकर्स हमेशा के लिए आदि के किरदार को शो से खत्म कर देंगे और कहानी इमली और आर्यन के किरदार के साथ ही आगे बढ़ेगी। वेल, अब आदि के किरदार को लेकर आगे क्या होता है ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा।